हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 24-25, तो मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर चेक कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके हम सोल्यूशन को करेंगे विथ कंसेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर 29 है एंड वन ऑफ देम 19 है। आपको दूसरा निकालना है, तो जब भी सेकेंड वाला निकालना होता है तो कैसे करते हैं? तो देखो, दो इंटीजर्स का सम बोला है 29 है, तो दोनों इंटीजर्स को आपने कैसे लिख देना है? दो इंटीजर मान लो ए और बी है, इनका सम मतलब प्लस, इनका प्लस करके कितना मिल रहा है? 29। ठीक है, तो कंडीशन लगा दी हमने, इन दोनों इंटीजर्स ए और बी का सम कितना है? 29। अब पहला इंटीजर ए तो हमें मालूम है 19 है, बट सेकेंड वाला नहीं मालूम, तो उसको बी ही रहने दो, इक्वल्स टू 29। एंड बी निकालना है आपको, तो ये 19 यहाँ जो प्लस में, अगर लेफ्ट साइड में प्लस में है तो यहाँ प्लस में है ना, ये लेफ्ट साइड में, आगे कुछ नहीं है इसके, यानी ये प्लस में है। तो ये अगर प्लस में है तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाता है। जब भी लेफ्ट हैंड से साइड से राइट हैंड साइड कोई जाएगा नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये नंबर इधर जाएगा तभी तो बी निकलेगा, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस कर दो 10, और जो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगा दो। पहले प्लस माइनस माइनस करो, कर दिया। अब जो भी नंबर इनमें से बड़ा है उसका साइन लगाओ, ये वाला बड़ा है तो इस पर प्लस है, तो इस पर प्लस का साइन लगा दो या मत लगाओ, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड नंबर आपका 10 आ जाएगा। तो जब भी आपको दो नंबर्स का सम दिया और सेकंड निकालना हो, तो सेकंड कैसे निकलता है? सम में से पहले नंबर को माइनस करके। तो ये याद रख लेना, जब भी अदर नंबर निकालना होता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद कर लो। अदर नंबर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट नंबर को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। देखो 10 है इसका आंसर, कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13। -13 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी साइन है ना इस पर लगा हुआ उसका उल्टा साइन लगा दो, यानी अगर इसमें माइनस का साइन है तो इसको प्लस कर देना, और अगर प्लस में होता है तो माइनस करते हैं। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब जो भी नंबर का एडिटिव बोले उसका साइन चेंज करो। तो एडिटिव इनवर्स अगर मेरे को -13 का निकालना है तो -13 का साइन चेंज कर दो, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +13। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ गए, साइन चेंज करना होता है, साइन चेंज करना होता है। और अगर इसी में एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव मल्टी मल्टीप्लिकेटिव तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, ये याद रखना। तो रेसिप्रोकल मतलब -13 का रेसिप्रोकल, तब 13 का रेसिप्रोकल 1/13, और साइन माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे तो रेसिप्रोकल करा करो, 13 के नीचे 1 है ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/13 हो जाएगा, और साइन जो ऐसा है वैसा ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव में साइन चेंज नहीं होता, उल्टा होता है बस, और एडिटिव होगा तो साइन चेंज करो, तो इसलिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। आई होप दोनों टाइप समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर -13 का 13, सी ऑप्शन आएगा आंसर। इफ एक्स डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 0, देखो यहाँ डिवाइड का साइन है, एक्स अगर डिवाइड कर रहे हो 35 से तो 0 मिल रहा है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ पे भी इक्वेशन को सॉल्व करो एक्स के लिए। तो अगर x डिवाइड बाय 35 जीरो है, तो ये जो नंबर है यहाँ डिवाइड में है ना, तो उस साइड जाएगा अगर, तो डिवाइड में अगर तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर कोई नंबर यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, जब माइनस में होता तो प्लस हो जाता है, तो ऐसे ही डिवाइड में होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये याद रखना। अगर प्लस में है कोई लेफ्ट साइड में तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, अगर माइनस में है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है नंबर, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है, तो यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो जीरो ही आएगा,
जीरो से मल्टीप्लाई करते थे तो जीरो ही तो आता है, तो आंसर एक्स इक्वल टू जीरो है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप वीडियो हेल्पफुल है, एंड तो आप इसे वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करो, कम से कम 500 लाइक तो मिलने चाहिए, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल जाएगा, तो डला भी हुआ है तो आप चेक कर लेना। चेक करने का मतलब उसे प्रैक्टिस करनी है अपने नोटबुक और पेन के साथ, ये नहीं कि सिर्फ देखना है, देखना नहीं होता है, उसे प्रैक्टिस करनी होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल मेजर है, यानी कि दोनों बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण है ना हिंदी में कहेंगे, तो अगर वो बराबर है तो सप्लीमेंट्री एंगल के ईच एंगल कितने कितने के होंगे। तो देखो दो है ना, सप्लीमेंट्री हमेशा दो से बनते हैं ना, तो वो दो से बनेंगे तो, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, दो एंगल्स का सम, उन एंगल्स को एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई का जो सम है वो 180 है, ये सप्लीमेंट्री की कंडीशन होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो फिर 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180 होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 होता है सम, ठीक है, सप्लीमेंट्री है इसलिए 180 रखा है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो 90 रखना। तो इन दो एंगल्स का सम 180 है। अब क्वेश्चन बोलो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो हम एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे, इस वाई की जगह भी एक्स ही रख देंगे, क्योंकि एक्स और वाई क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों एंगल्स क्या है बराबर है। तो x अगर y के बराबर है, x और y बराबर है, तो y की जगह भी x रख दो। अब x x कितने x होगा, x x के साथ जुड़ जाएगा ना, लाइक टर्म्स है, जैसे नंबर को हम नंबर के पास भेजते हैं वैसे ही x को x के साथ जोड़ सकते हैं। तो x x जुड़ के ये 1x, ये 1x, तो 1 1 2x हो जाते हैं जुड़ के। अब ये 2x अगर 180 है तो x निकालना है, तो अब देखो x के साथ ये 2 क्या हो रहा है, यहाँ कुछ साइन नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये x और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2x का जो 2 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाता है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा, तो इसको तो एज इट इज़ लिखो और फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से ये कट जाएगा, 2 9 ज़ा और 0 90 डिग्री, तो जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री के आ जाएंगे, एक पहला भी 90 दूसरा भी 90, तो ईच एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे और सप्लीमेंट्री इसलिए टोटल 180 रखना है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंसर क्या है ऑप्शन ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर आपको पता है ना, ये जो भी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जो भी नंबर शो होते हैं, नंबर लाइन के अंदर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके एंड तक, ऐसे नेगेटिव में भी 0 -1 -2 -3, तो ये जितने भी नंबर आपको नंबर लाइन पे दिखते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। अब ये इंटीजर्स क्या इंटीजर क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स किन्हें कहते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं। तो ये देखो इंटीजर्स को क्या मैं पी बाई क्यू लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। देखो टू के नीचे मैं क्या लिख सकती हूँ, वन लिख सकती हूँ, तो ये मतलब तो टू ही है इसका। ऐसे इस वन के नीचे भी मैं वन लिख सकती हूँ, जीरो के नीचे भी मैं वन लिख सकती हूँ, माइनस टू के नीचे भी मैं वन लिख सकती हूँ। अगर कुछ नहीं है तो यानी नीचे वन है ना, तो यानी कि ये जो इंटीजर्स है ना ये भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें बस डिनोमिनेटर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, नीचे वन हो, इनका इन सब इंटीजर्स का डिनोमिनेटर क्या होता है, वन होता है, समझ आ गया। तो इसलिए इसका आंसर बोला एवरी इंटीजर रेशनल कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर में वन आना चाहिए नीचे। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, क्या होगा, वन आना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इनका, वन होना चाहिए, तभी ये क्या बन जाएंगे पी बाई क्यू यानी रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12/5 स्टैंडर्ड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, 12/5 इनमें से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 12/5 यानी कि इनको अगर मैं कैंसिल करूँ, इन सारे नंबर्स को कर करके देखो कैंसिल, तो ये अगर कैंसिल होने के बाद सेम 12/5 ही दे देंगे, तो ये मतलब 12/5 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो देखो 5/12 तो 12/5 का उल्टा है, इसको तो मैं कैंसिल भी नहीं कर पाऊंगी, तो ये 5/12 कोई 12/5 के इक्वल थोड़ी ना है, तो ये तो गलत है।
ये नहीं हो सकता। 36/15 को देखते हैं, तो देखो 36/15 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं ना, ये भी 3 में आएगा और ये भी 3 में आ जाएगा। तो अगर मैंने दोनों को 3 से डिवाइड किया तो 3 में ये 15 कब आता है, 5 पे, और 3 पे 36 कैसे आएगा, 3 पे 3 आएगा 1 पे, और फिर 3 पे 6 कब आएगा, 2 पे। तो ये कैंसिल होके इसको हमने डिवाइड किया, सेम ऊपर नीचे नंबर होना चाहिए, तो अगर सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, और फिर ये देखो 12/5 ही दे रहा है, तो यानी कि ये जो 12/5 है ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस 36/15 की। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, आंसर क्या होगा इसका, 36/15 को अगर कैंसिल करेंगे तो मुझे वापस 12/5 मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इक्वेशन हैविंग पी इक्वल टू माइनस थ्री एज इट सॉल्यूशन। अब आपको इक्वेशन में बोला है कि किस इक्वेशन का सॉल्यूशन माइनस थ्री आएगा, यानी सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन सारी पी की फॉर्म में ना, पी वेरिएबल है, तो पी वेरिएबल है तो सारी इक्वेशंस को सॉल्व अगर करें हम, इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब आता है ना आपको, वही चीज़ जो मैंने सिखाई थी कि प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वैसे करना होता है, और पी निकालना होगा। तो पी माइनस थ्री इनमें से किस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो अब आप सारी इक्वेशन तो सॉल्व करोगे नहीं, वो तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करो, ये जो पी की वैल्यू माइनस थ्री है ना, पहले इस इक्वेशन में रख के देखो, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, फिर ऐसी सेकेंड पर रख के देखना। तो मैंने शुरुआत में दो पे रख के देखा, तो पहली इक्वेशन क्या है, 2p + 8, तो 2p + 8 और आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, तो मैंने देखा 2p की जगह कितना रखना है, माइनस थ्री, ये 2 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, देखो ये कोई साइन नहीं है ना जब बीच में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 2 माइनस थ्री के साथ माइनस नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट में लिखना होगा, तो p की वैल्यू माइनस थ्री और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। जब भी 2p बोले तो 2 और p में कौन सा साइन है, अंदर कुछ साइन नहीं है, नहीं इनटू का साइन होता है, तो 2 और p मल्टीप्लाई है, तो p कितना है, माइनस थ्री और 2 मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए ब्रैकेट में लिख देना से, प्लस का 8। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 3 या 6, और अगर मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, और ये याद रखना बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, तो पहले मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई का रूल लगाया, माइनस एक है तो माइनस लगा दिया, एंड प्लस का 8। फिर माइनस प्लस इंटीजर का रूल लगाओ, माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस करेंगे, और जो भी इनमें से बड़ा नंबर है, जैसे ये बड़ा है ना, तो इसका प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो अब ये तो 2 आ रहा है, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड में तो 3 लिखा हुआ है, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन माइनस थ्री नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड मैच नहीं कर रही है। ऐसी फिर मैंने सेकेंड पे रख के देखा, इस बी वाले पे, तो यहाँ पे भी 2p + 8 ही था, 2p की जगह माइनस थ्री रखा ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई है, फिर इस मल्टीप्लाई को किया तो 6 माइनस का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का एक साइन होता है माइनस का, तो ये लग जाता है, एंड प्लस का 8। फिर से इंटीजर्स माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और जो बड़ा है उसका साइन ये बड़ा है, तो इसमें प्लस का साइन है, इसलिए प्लस। अब ये राइट हैंड साइड भी 2 ही है ना इसमें भी, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इट मीन्स ये मैच कर रहा है अगर, तो यानी ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन। अब मेरे को यही मिल गया आंसर, तो मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता चल गया बी ऑप्शन ही आंसर है इसका, तो 7th का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर भी आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप 3rd पे रख के देखना, फिर 4th पे रख के देखना, तो अभी तो इसी पे आंसर आ गया ना, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेम द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजर 360 हो, तो 360 डिग्री को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, तो ये आपको याद रखने, 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल, अभी बताती हूँ सारे एंगल। देखो सबसे पहले जीरो एंगल होता है, जीरो एंगल तो कितना मेजरमेंट होता है, 0 डिग्री। फिर उसके बाद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एक्यूट एंगल 0 से लेके 90। अब इसमें ना तो 0 इंक्लूड होगा ना 90, 0 से जो 90 के बीच में है, 0 से 90, ये इसका मतलब डैश लगाया ना, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है 90 भी, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। 0 डिग्री का करेक्ट होगा तो 0 एंगल होगा। ऐसे ही राइट एंगल, राइट एंगल कितने का होता है, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है, करेक्ट 90 डिग्री। तो इसलिए मैंने 0 से 90 के बीच, ये बीच में दिखाने के लिए ऐसे डैश लगाना है, 0 से 90 के रेंज दिखानी है, 0 से 90 डिग्री के रेंज में एक्यूट एंगल आते हैं, तो ये 0 से 90 के बीच में होंगे। तो अगर करेक्ट 0 का हुआ तो वो 0 एंगल है, अगर करेक्ट 90 का हुआ तो वो राइट एंगल है। ऐसे 90 से 180 के अगर बीच में आ रहे हैं, 90 भी नहीं होना चाहिए 180 भी नहीं होना चाहिए, उनके बीच में अगर कोई भी एंगल है तो वो ऑब्टयूज एंगल है। कौन से एंगल है, वो ऑब्टयूज एंगल है। और 180 से लेके
करेक्ट 180 का है अगर, तो करेक्ट 180 को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल है। कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। और अगर 180 से आपका 360 के बीच में आ रहा है, तो 180 से 360 के बीच में हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल है। अगर कोई भी एंगल 180 नहीं होना चाहिए, 360 भी नहीं होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए। तो इस रेंज में अगर रिफ्लेक्स एंगल है तो ये इस रेंज में होना चाहिए, 180 डिग्री से 360 डिग्री। और अगर कंप्लीट एंगल है तो वो करेक्ट कितने का होगा? वो आपका 360 डिग्री का होगा। समझ आ गया कि सारे एंगल्स की टाइप मैंने आपको बता दी है, तो आपको ये याद रखनी है, इसे नोट कर लेना कहीं पे और याद रखना, ठीक है? अब चलिए, तो ये समझ आ गया होगा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर बी ऑप्शन है, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, के प्लस 7 अगर 16 है तो आपको 8k माइनस 72 फाइंड करना है। पहले आप k प्लस 7 इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करो, k निकालो यहाँ से, और फिर k की वैल्यू जब आ जाए ना तो फिर इसमें रखनी पड़ेगी आपको, तो फाइंड हो जाएगा। तो k प्लस 7 16 की इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं? k को तो यहीं रहने दो, ये जो नंबर है नंबर के पास भेजो, तो इधर से अगर ये इधर जा रहा है तो ये प्लस है, तो इधर जाके माइनस होगा। बताया था ना, नंबर अगर नंबर के पास जा रहा है दूसरी साइड, तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, जैसा साइन है वैसा ही रहेगा, बट ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इधर से इधर गया ना, तो ये माइनस 7। अब प्लस माइनस माइनस कर दो, और जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन, ये इसमें से ये बड़ा है तो इसमें प्लस है, तो इसमें भी प्लस का, तो के आ गया 9। अब के की वैल्यू 9 इस वाले में, ये निकालना है ना मेरे को, तो इसमें रखनी पड़ेगी 8 एज इट इज, के की जगह 9। अब ये 8 और के मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दी, 8 9 72, और फिर ये माइनस भी हो रहा है 72, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी से जल्दी बन सके और आपको अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल की साइड को हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो जब भी ट्रायंगल की साइड से बढ़ा के कोई एंगल बाहर आता है तो वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो अंदर के जो एंगल होते हैं, देखो जो इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है उसका, उसको तो हटा दो, ये वाला इसके साथ लीनियर बना रहा है ना, ये दो लाइन, ये लाइन के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ये लीनियर है, तो एक्स के साथ जो जुड़ा एंगल है उसे मत कंसीडर करना। एक्स जो है इन बचे हुए दो एंगल्स के क्या होता है? इक्वल होता है, इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट भी देखो ये लिखी होती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके इंटीरियर अपोजिट ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है, इसका इंटीरियर अपोजिट ये दोनों होंगे, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर है? अपने जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ये जो इसके अंदर है ट्राइंगल के अपोजिट होने चाहिए, इसके साथ वाला नहीं, इसके अपोजिट वाला जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम होता है। तो ये स्टेटमेंट में बस अगर नॉट हटा दूँ ना, तो ये स्टेटमेंट होती है एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, तो इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इसलिए ये इनको टोटल करो तो 120, तो यहाँ लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये, तो एक्स की वैल्यू 120, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है? 120 आना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश कैन टेक एनी वैल्यू एंड डैश हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। जो बताओ कौन किसकी किसी भी वैल्यू को ले सकता है और किसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है? तो फिक्स्ड वैल्यू तो कांस्टेंट की होती है, फिक्स्ड वैल्यू तो क्या होती है? कांस्टेंट की होती है। कांस्टेंट जैसे 4 है 5 है, ये कांस्टेंट्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे, तो कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है। जबकि एनी वैल्यू, कौन एनी वैल्यू ले सकता है? जो वेरिएबल होता है, जैसे इक्वेशन में वेरिएबल आते हैं ना, एक्स वाई ए एम कुछ भी ऐसे वेरिएबल, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन है ना 3m प्लस 3 इक्वल टू 15, इसमें m क्या है? एक वेरिएबल है। m की अगर मैं वैल्यू 1 रख दूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और आंसर आएगा, अगर m की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये जो साइड है सॉल्व करके कुछ और आंसर दे देगी, है ना? जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको,
कि 8k-72 में अगर k मेरा 1 होता तो आंसर कुछ और आ जाता, 2 होता तो कुछ और आ जाता। तो यानी ये जो वेरिएबल होते k, m, p, x, y, ये जो भी होते हैं ना, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जबकि अगर कोई कांस्टेंट है लाइक 15 है, वो तो एज इट इज़ रहेगा हमेशा, है ना। तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू देते हैं और वेरिएबल जो होते हैं वो एनी वैल्यू। तो यहाँ वेरिएबल आएगा और यहाँ कांस्टेंट आएगा। तो पहले वेरिएबल लिखना है फिर कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू फॉल्स। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का नॉट इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अभी मैंने क्या बताया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, जबकि ये बोल रहा है नॉट इक्वल, तो ये गलत है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। 12th का आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अभी ये एम की वैल्यू फाइंड करनी है। एम क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, देखो कैसे करना है। या तो एक तरीका है कि ये जो 3 है ना, पहले ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है ना, ये 3 जब भी पूरी ब्रैकेट के बाहर है तो इस 3 को अंदर दोनों से क्या करना है, देखो इसमें और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं है। तो मैंने बताया कि जब भी कोई इन दोनों के बीच में साइन है तो ये इन टू हो रहा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको आती है ना, कोई भी ब्रैकेट से अगर कोई बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3m आ जाएगा। फिर 3 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 आ जाएगा। 3 3 और ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस का 9 आ जाएगा एंड ये 15 है सीरीज। अब ये इक्वेशन बन गई ना, आपको मैंने बताया कि अगर ये m है और ये नंबर है तो नंबर के पास भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस 9 है तो इधर जाके माइनस हो जाता है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस करो प्लस माइनस, माइनस साइन हमेशा लास्ट में बोलो किसका लगेगा, नंबर बढ़ेगा, बड़ा नंबर है प्लस का तो प्लस का लगेगा। अब ये m निकालना है तो ये 3 और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता था 3m + 3 = 15। ये 3 पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इसको पहले ही भेज दो तो ये डिवाइड में चला जाता, यानी m प्लस 3 तो यहीं पे रहेगा, बट ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस ब्रैकेट से, पूरी ब्रैकेट से, तो ये 3 को पहले यहाँ 3 डिवाइड में भेज दो तो ये डिवाइड में कट जाता है ना, 3 5 तो 5 आ गया। अब m प्लस 3 कितना आया, 5 आया, तो m की वैल्यू निकाल लो, प्लस है तो ये नंबर वहाँ भेजो तो माइनस हो जाएगा तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, समझ आ गया। दोनों तरीके से 2 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर m इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वेशन ही है, सिंपल है। 5a + 10 = 25। a निकालो पहले और फिर a की वैल्यू निकल जाए तो 6a निकालना है, 6a निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले तो अब तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई होगी, 5a + 10। 5a के साथ पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो पहले ये वाला देखो एक पूरा टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। तो पहले 5 को नहीं ले जा सकते, ये एक टर्म है, पहले इस वाली टर्म को यहाँ भेजो। तो ये प्लस 10 नंबर है, नंबर के पास भेजो तो ये नंबर का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, ये तो अपनी जगह पे इसका मत बदलना साइन। अब ये प्लस माइनस, माइनस साइन जो भी नंबर बड़ा है ये प्लस का है तो प्लस का बड़ा है। फिर 5 है अगर 15 तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 मल्टीप्लाई में अब इसे भेजो, पहले प्लस वाला माइनस वाले को भेजना होता है फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को, तो ये अब भेजो डिवाइड में तो 5 से ये कट जाएगा 3 पे, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बट निकालना तो 6a था तो 6a, ए की जगह कितना रख दो, 6 और ए मल्टीप्लाई हो रही ना, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई तो 6 into a, यानी ए कितना था 3, 6 into 3 18 आंसर आ जाएगा। आंसर को यहाँ नहीं छोड़ना, 6a, यानी 6 को a से मल्टीप्लाई भी करना है तो 18 आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज करना है -14/5 को रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर 60, यानी कि इसको ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करो कि न्यूमरेटर कितना आ जाए, 60 आ जाए, न्यूमरेटर 60 आ जाए। अच्छा तो देखो, अगर न्यूमरेटर 60 लाना है तो -14/5, तो आपको न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर 60 लाना है तो न्यूमरेटर को देखो कितने से मल्टीप्लाई करे कि 60 आ जाए। न्यूमरेटर मेरे को कितना लाना है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो न्यूमरेटर 60 लाना है तो ऊपर 60 लाना है मेरे को, और नीचे भले ही कुछ आए बट न्यूमरेटर में 60 आना चाहिए। तो अब आप सोचो यहाँ पे मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 60 रिजल्ट दे दे। तो मेरे को पता है 14 में 60 कब आता है, 14 पे 60 आता है, 14 में कब आता है, 5 पे आता है, 14 पे तो 60 आता ही है, 70 आता है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है,
यहाँ न्यूमरेटर 60 आ ही नहीं सकता क्योंकि 14 पे 60 कभी आता नहीं है, ये डिनोमिनेटर होना चाहिए, गलत है ये क्वेश्चन, यहाँ डिनोमिनेटर लिख लेना ये, क्योंकि 14 में तो 60 कभी आएगा नहीं, 14 टू जा 28, 3 जा 42, 4 जा 56 होता है ना, और 5 जा फिर 70 होता है, ये गलत है, न्यूमरेटर नहीं होना चाहिए यहाँ, डिनोमिनेटर ही होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर 60 है तो यस, डिनोमिनेटर 60 आ सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 60 लाना है, तो सोचो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 60 मिल जाए मेरे को, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 मिल जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर इसको सही कर लेना, डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर 60 आए तो 12 से, तो 12 नीचे लिया तो ऊपर भी सेम, ऊपर नीचे सेम लेना पड़ेगा, तो पहले डिनोमिनेटर को 60 लिख दो, फिर सोचो 5 8 6 ये वाले डिनोमिनेटर में ये कब आएगा, जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 12 को ऊपर नीचे लिख दो। अगर यहाँ न्यूमिनेटर में भी अगर आ रहा होता कोई नंबर तो आप न्यूमिनेटर पे पहले लिख देते उस नंबर को, जैसे मैं अभी पहले कर रही थी ना, अगर न्यूमिनेटर बोलते तो न्यूमिनेटर पे लिखते और फिर देखते ये इस पे कब आता है, बट क्योंकि ये इस पे आता ही नहीं इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो मान लो अगर यहाँ 70 लाना होता न्यूमिनेटर में, तो आप इस न्यूमिनेटर को देखते, 14 में 70 कब आता है 5 पे, तो इसमें 5 लिखा तो यहाँ भी आपको 5 करना पड़ता और फिर मल्टीप्लाई करके ये 25 आ जाता, तब ये ऐसे हो जाता, बट अभी क्वेश्चन मिस्टेक है, डिनोमिनेटर 60 आ सकता है, कब आएगा डिनोमिनेटर 60, जब इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किया तो 168 आ रहा है, तो ऊपर 168 और एक माइनस और एक प्लस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का साइन एक ही होता, अगर माइनस तो माइनस लग जाता है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता नहीं जो स्लैंट होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, और जो ये होते हैं परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको ये इसके ये वाली याद है कि एच का स्क्वायर यानी जो सबसे बड़ी साइड है एच हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है, बी पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जब स्क्वायर कर दोगे फिर प्लस भी करना होता है, यानी कि क्वेश्चन में अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज को अगर मैं हटा दूँ इन दो साइड का स्क्वायर का सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की जो अदर टू साइड्स होंगी उनके स्क्वायर्स का सम करना है, और वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है, या फिर आपको इसे बना बना के भी लिख सकते हो, अगर ये याद है तो ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स चेक करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल लेस देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, नो यहाँ गलत लिखा है, देखो कोई भी ट्राइंगल है अगर ये 3 है ये 4 है और ये 5 है, तो दो साइड का जो छोटी छोटी दो साइड होगी, सबसे बड़ी को तो आप अलग करो, जो छोटी छोटी साइड होंगी ना 3 और 4 इनका सम ना हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगा, अगर ये सम कम आ रहा है ना इस ट्राइंगल की तीसरी साइड से, तो यानी वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता, तो दो साइड का सम, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बोल रहा है छोटा होना चाहिए, तो इसलिए ये फॉल्स है, समझ आ गया, तो 17 का आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, राइट एनी टू इंटीजर विच आर स्मॉलर देन -9, तो स्मॉलर देन -9 का मतलब पहले आप नंबर लाइन बना लो इंटीजर से, तो नंबर लाइन बनाओ, देखो नंबर लाइन मैंने बनाई, अब -9 से स्मॉलर बोला है तो लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, स्मॉलर जब भी बोले तो आपको लेफ्ट साइड के इंटीजर्स लिखने पड़ते हैं, और अगर लार्जर बोलते तो आपको इसके राइट साइड के, राइट साइड पे क्या लिखते हैं -8 -7 है ना, तो अगर राइट साइड बोलते तो -9 के राइट पे जाते, बट अभी स्मॉलर बोले तो -9 के -9 पे तो है ही, उसके लेफ्ट पे जाना पड़ेगा, तो -9 के लेफ्ट में क्या क्या आएंगे, -10 -11 -12, यानी माइनस में जो इंटीजर लेफ्ट पे आते हैं वो वैल्यू वाइज तो बड़े लगते हैं, बट क्योंकि माइनस का साइन है वो छोटे होते जाते हैं, तो अगर -9 और -10 में मैं बोलूँ बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि ये राइट पे है और ये लेफ्ट पे, राइट वाले बड़े होते हैं लेफ्ट वाले छोटे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 9 और 10 में अगर मैं पूछती कौन सा बड़ा है, तो 9 और 10 तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में 9 पहले आएगा कि 10, 10 देखो राइट पे आएगा और 9 लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होता है और राइट वाला हमेशा बड़ा होता है, तो अब 10 बड़ा होगा, तो ये आपको याद रखना है, अगर लेफ्ट छोटा लिखना है तो वो लेफ्ट पे होना चाहिए, और जो बड़ा जो बड़ा होता है वो हमेशा राइट पे होता है, तो छोटे लिखने तो माइनस 9 से छोटे -10 -11 वैसे तो दो ही लिखने हैं, मैंने लिख दिए बहुत सारे, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर इसके राइट पे बोल स्मॉलर की जगह ग्रेटर होता तब आपका आंसर -8 -7 होता। जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, नो। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था आपको जीरो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यूब फॉर्म में लिखते हैं। तो जीरो को भी तो हम 0/1 लिख सकते हैं, जब नीचे कुछ ना हो तो वन होता है ना। जो इंटीजर्स होते हैं सारे इंटीजर रेशनल होते हैं क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में हम वन लिख सकते हैं, तो जीरो के नीचे भी हम वन लिख सकते हैं, इसलिए ये गलत लिखा है, फॉल्स है ये। इन्होंने बोला नॉट होना होता है, जीरो रेशनल नंबर होता है, तो ये गलत है। कैन टू एंगल भी सप्लीमेंट्री अगर दोनों ही ऑप्टिव हो, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब 180, दो का सम 180 हो सकता है अगर दोनों ही ऑप्टिव हो। तो यहाँ पे अगर मैं दो ऑप्टिव एंगल लूँ, जैसे ऑप्टिव का मतलब बताया ना मैंने, ऑप्टिव क्या होते हैं, ऑप्टिव वो होते हैं जो 90 से 180 के बीच में होंगे, यानी 90 से ज़्यादा होने चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो 90 से ज़्यादा मैंने लिए दो एंगल, एक 95 लिया एक 110 लिया। अब इन दोनों को मैंने टोटल करके देखा तो ये तो 205 डिग्री आ रहे हैं, जबकि दो सप्लीमेंट्री में सम 180 आना चाहिए था, तो 180 नहीं आ रहा ना, उससे ज़्यादा आ रहा है। तो दो ऑप्टिव एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, तो इसका आंसर नो है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी के यहाँ पे आपको एक लाइन है ए बी, और इस लाइन पे देखो एक एंगल ए ओ बी, ए इस एंगल को पढ़ना आता है ना, ए ओ डी है, और फिर डी ओ सी वी है, फिर सी ओ बी वी है। अब ये तीनों एंगल है ना जो एक लाइन के अंदर है, तो लाइन के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये याद रखा करो। तो इस लाइन के अंदर ये जो तीन एंगल है, एक ये ए ओ डी, डी ओ सी, कैसे नाम पढ़ते हैं, डी ओ सी, जिस पे एंगल बन रहा हो ना, इस पे बन रहा है ना ओ पे, तो ओ बीच में आना चाहिए, डी ओ सी, ओ सी ओ बी, तो इन तीनों के नाम लिखे, और इनका सम कितना है 180, क्योंकि ए बी लाइन है, ये लिख लेना, ए बी क्या है, लाइन है, और लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। अब ए ओ डी की जगह एक्स प्लस 10, डी ओ सी की जगह एक्स लिख दो, प्लस प्लस है तो प्लस का एक्स, फिर प्लस सी ओ बी की जगह एक्स प्लस 20 अलग से फिर से लिखो, ये पहले फिर ये एक्स फिर ये तीसरा, एंड टोटल 180। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी, पहले एक्स को एक्स के साथ सॉल्व कर लो, एक्स 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 जुड़ेंगे तो 3x बन जाएंगे ना, 1x 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 3x, और नंबर 10 है और 20 है, 10 और 20 कितने हो गए 30, नंबर नंबर के साथ जुड़ेंगे, एक्स एक्स के साथ जुड़ेंगे, 10 प्लस का 20 प्लस का 30। अब नंबर में मैंने आपको क्या बताया, जो भी ये नंबर है ये इस नंबर के पास चला जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस करना आता है आपको, प्लस माइनस माइनस, जो भी बड़ा हो उसका साइन, ये बड़ा है तो प्लस का साइन, फिर एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर डिवाइड में कैंसिल कर दो, 50 आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 है इसकी। अब यहाँ भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब, अभी मैंने आपको बताया जब पूरी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और यहाँ कोई साइन ना हो तो ये मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले 8 को x से करो 8x, फिर 8 को 3 से भी करो 24, और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई में एक माइनस होगा तो माइनस लगेगा। अब फिर से देखो ये 2 भी इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है और बीच में कोई साइन नहीं है ना इनके बीच में, यानी इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये नंबर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये x से होगा तो 2x हो जाएगा, फिर 2 से होगा 4 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में अगर ये इससे हो रहा है तो एक ही माइनस है ना, तो ये माइनस लगेगा, बट जब ये -2 -2 से होगा तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस दो बार है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो साइन भी ध्यान रखना, एक माइनस है तो लगेगा, दो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू 20। अब देखो ये एक्स एक्स वाले से प्लस माइनस होगा और नंबर नंबर से प्लस माइनस होता है, तो एक्स और 8x और 2x माइनस करो, लाइक टर्म है ना। अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस किया 6x, जो भी इनमें से बड़ा है, ये बड़ा है तो प्लस का साइन, 24 और 4 माइनस और प्लस, एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, माइनस, और जो साइन है जो भी नंबर बड़ा होता है ग्रेटर होता है जी ग्रेटर, माइनस प्लस पहले माइनस करो फिर ग्रेटर का साइन, तो देखो माइनस है और ये प्लस है तो पहले मैंने माइनस किया तो ये कितना आया 20, और इनमें से कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, ये बड़ा है ना तो इस पर माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा, एंड ये वाला 20 एज इट इज। अब 6x माइनस 20, ये नंबर नंबर के पास भेजो, इस साइड भेजो, तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है, ये 20 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका साइन तो एज इट इज, इस माइनस का वहाँ जाके प्लस। अब 20 40 प्लस का, एंड x निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई में है तो ये 6 यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, x निकालना है तो 6 को यहाँ भेजो, और फिर ये कट जाएगा 2 से दोनों, 2 3 जा 2 20, 20 बाई 3 इसका आंसर है,
तो ये आंसर है, इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये स्टेटमेंट्स को आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपको देखना है क्या बोला है, सम करना है 5 times x का, किसके साथ एंड लगा है तो सम करना है 5 times x एंड 15, यानी कि 5 times x का अंदर 5x, टाइम्स बोले तो 5x मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो अंदर कोई साइन नहीं लगाते ना, 5 times x यानी 5x, और सम किसके साथ करना है 15 के साथ, एंड लगाए तो इसके साथ सम करना है, प्लस लगाना है, एंड इस जहां बोल दे तो इक्वल का साइन लगाते हैं, एंड कितना मिलेगा 37, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है 5 को किससे करना है, फ्रॉम 9 times ए नंबर, नंबर x मान लो 9 times है नंबर 9x, फ्रॉम बोला है तो 9x पहले आएगा, फ्रॉम वाला जो नंबर होता है, ये 9 times का नंबर में फ्रॉम लगाया ना तो वो पहले आएगा 9x, और फिर इसमें से 9 times नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो माइनस करना है 5, और गेट मतलब इक्वल का साइन 17, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ध्यान रखना फ्रॉम जहाँ लिखा होता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो होता है वो पहले आता है, और जो पहले लिखा होता है वो बाद में आता है, इक्वल टू 17, तो ये ऐसी इक्वेशंस बनेगी। ऐसी इन इक्वेशंस को आपको क्या पता वर्ड्स में लिखने को आए, तो तब आपको ऐसे वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इज 3 units मोर देन ब्रेथ एंड पैरामीटर 22 units, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको बोला है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 units ज़्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ होते हैं ना, एक रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है ना जिसमें ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, ये वाली ब्रेथ इस ब्रेथ के बराबर होती है, और ये लेंथ इस लेंथ अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, लेंथ लेंथ ही वाली होती है बराबर, और ब्रेथ ब्रेथ ही बराबर होती है, तो ब्रेथ को एक्स मान लो। अब लेंथ क्या बोला है, लेंथ ना ब्रेथ से 3 ज़्यादा है मोर, तो ब्रेथ एक्स है तो x से 3 ज़्यादा का मतलब प्लस करो, x प्लस 3, अगर 3 times बोलते तो 3x होती, बट 3 more बोला है तो 3 इस x में प्लस करना पड़ेगा, अभी प्लस तो होगा नहीं एज इट इज़ अलग, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 times बोलते तो 3x, अगर 3 less बोलते तो x-3, तो ऐसे याद रखना। तो ब्रेथ x है तो लेंथ उससे 3 ज़्यादा है, तो x तो है ही, उसमें 3 ज़्यादा करो। अब पेरीमीटर बोला क्वेश्चन में, कितना है पेरीमीटर 22 units। अब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 6 से बढ़ते आ रहे हो, इसमें देखो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री को टोटल करना होता है, LB इन सबको जोड़ो, L+B+L+B, तो इसमें क्या होगा 2L आएंगे और 2B आएंगे, तो ब्रैकेट 2L 2 और B में 2 बाहर ले लो और L+B कर दो, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा, और वो क्वेश्चन में ना निकालना नहीं है, दे रखा है 22। अब L की जगह तो ये रख दो x+3, फिर प्लस B की जगह क्या रखो, x रखो। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करो, तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 एज इट इज, और ये जो एक्स एक्स है लाइक टर्म्स है ना, एक्स और एक्स लाइक टर्म्स है, तो ये एक्स एक्स तो जुड़ जाएंगे, 1x 1x 2x, और साथ में 3 अलग से है, तो 2x+3, एंड पेरीमीटर कितना है 22 है। अब मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि या तो इस 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, इसको इससे फिर इसको इससे, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पूरी ब्रैकेट से, तो पहले 2 को वहां जाके डिवाइड कर दो, 2 कट गया 11 पे ना, और फिर अब ये 2x+3 11 है, तो इस 3+ को वहाँ जाके माइनस करो, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, एंड 11-3 8 साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो प्लस का 2x 8, तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड होके 4 आ जाएगी, तो x 4 आ गया। अब आपको x मतलब ब्रेथ थी, ब्रेथ 4 आ गई, और लेंथ क्या थी x+3 थी, तो x में x कितना आया 4 में 3 ऐड कर दो तो 7 आ जाएगी लेंथ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3 cm 4 6, यानी कि जो ट्राइंगल की साइड है 3, 4 और 6 है, आपको चेक करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं, तो 3, 4, 6 राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ी साइड है यानी 6, उसका स्क्वायर बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अभी इसकी स्टेटमेंट भी बताई थी मैंने, जो बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसका स्क्वायर करो और बची हुई 2 साइड का भी स्क्वायर करके सम करो, फिर देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये मान लो 3 है और ये 4 और स्लेंट सबसे बड़ी होती है ना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है 6 है, तो अगर इसका स्क्वायर सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको अलग से स्क्वायर करो और बची हुई 2 साइड है जो उनके स्क्वायर का सम करो, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गए तो ये होगा पाइथागोरस, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे को दिखा सबसे बड़ी साइड 6 है, 6 का स्क्वायर मैंने अलग प्लस करके देखा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर जब भी लगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 36 होगा।
अब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर जब भी हो तो 4 इंटू 4 स्क्वायर है ना, यानी 4 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, तो फिर इनको ऐड करो 25। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना ये इसके इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। और ये जो स्टेटमेंट होती है पाइथागोरस की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड राइट एंगल ट्रायंगल की स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये जो ट्रायंगल है ना वो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें लिख देना ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट 26 है, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक मैन है जो वेस्ट 15 मीटर जाएगा और नॉर्थ फिर 8 मीटर जाएगा, उसके बाद पूछे कितना फार है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखो डायरेक्शन अगर आपको सबको आती है तो डायरेक्शन बना लो पहले। देखो डायरेक्शन में अगर ऐसे मैं देखूं तो यहाँ सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये तो पता है ना डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है, और फिर यहाँ वेस्ट होता है और इस साइड आपका ईस्ट, नहीं इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड आपका वेस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट इस तरफ और वेस्ट, ये डायरेक्शंस होती है। तो पहले तो मैंने यहाँ से शुरू हुआ और वो वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट मतलब इस साइड जाएगा ना, वेस्ट गया इधर से शुरू हो गए वेस्ट की तरफ गया, तो वेस्ट इधर से इधर गया यानी वो, ठीक है, इस तरफ गया वो, तो 15 मीटर गया। फिर जहाँ वो पहुँचा उसके बाद वो नॉर्थ पे गया, नॉर्थ का मतलब ऊपर हो गया, ऊपर नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट किधर होता है? वेस्ट तो लेफ्ट की तरफ होता है ना, ये है लेफ्ट, तो वेस्ट पहले यानी इधर से शुरू हो रहा है, तो पहले लेफ्ट की तरफ गया वेस्ट, फिर वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर, तो फिर वो यहाँ से ऊपर गया 8। अब उससे पूछा गया कि पहले वो वेस्ट गया 15 मीटर, फिर वहाँ से वो नॉर्थ गया 8 मीटर, यानी वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड, फिर नॉर्थ मतलब ऊपर गया, और फिर उन्होंने बोला कितना दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था। अब वो कहाँ पे पहुँच गया? सी पे, तो ए सी निकालना है आपको, तो क्या निकालना है? ए सी निकालना है, जिसमें ए बी आपको दिया, ए से बी पे 15 गया है वो, फिर बी से सी पे वो 8 गया, और ए से सी निकालना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट से जितने पे वो आ गया है, सी पे आ गया ना, तो ए से शुरू हुआ सी पे गया, तो ए सी निकालना है। अब आपको दिख रहा है ये अगर ऐसे ऐसे किया है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल में अगर दो साइड पता चले जाए तो तीसरी निकालनी पड़ती है पाइथागोरस से। तो देखो ये राइट एंगल के जो अपोजिट स्लैंट वाली लाइन होती है वो हाइपोटन्यूज होती है, वो तो पता है ना आपको हाइपोटन्यूज होता है, तो ये ए सी ना आपका हाइपोटन्यूज है। तो स्टेटमेंट क्या बताई थी मैंने? हाइपोटन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम होना चाहिए, ये पाइथागोरस है, तो हाइपोटन्यूज ए सी है उसको तो अलग स्क्वायर करो और बचे हुए को स्क्वायर करके प्लस करो। तो ए सी आपको निकालना है, ए बी 15 है, 15 का स्क्वायर, बी सी 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर का मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना 225 आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना 64 आएगा, ऐड करना 289। अब 289 आपको याद होना चाहिए ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर, तो 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं, तो 289 17 का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए सी आपकी 17 आ गई, तो ए सी आपका 17 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉड मास लगेगा, 12 + 5 - 9 - 6 / 2 - 6 - 12 / 3 फिर / 2 एंड ब्रैकेट क्लोज -5। तो बॉड मास का रूल अगर सबको आता है तो क्या कहता है बॉड मास का रूल? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, और फिर लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। और जब भी ब्रैकेट्स के अंदर भी ध्यान रखा करो, पहले डिवाइड करना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये बॉड मास का रूल है, बॉड मास, तो यहाँ पे बॉड मास का रूल ही लगाना है आपको, तो ये आपको दिया है। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी ब्रैकेट ये वाली है, ये छोटी ब्रैकेट ना ये वाली, तो इसे आपको सॉल्व करना है छोटी ब्रैकेट को। तो तब तक सारे नंबर्स को आप एज इट इज लिखो जितना है, बस इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये 6 - 12/3, तो पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आ गया, तो 6 - 4, बाकी सब कुछ ऐसी, ठीक है। अब फिर से अभी छोटी ब्रैकेट पूरी सॉल्व नहीं हुई है, अब 6 और 4 माइनस करो, तो माइनस करके 2 आ गया, और साइन जो भी नंबर बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस का है तो प्लस ही लगेगा, बट बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस, तो ये ब्रैकेट का आंसर 2 आया, सॉल्व हो गई। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी, बट ये 2 के बाहर माइनस है इसलिए -2 लगा है, वैसे अंदर +2 आया क्योंकि ये बड़ा था तो प्लस का 2 आया, बट बाहर माइनस था इसलिए -2 आया। अब आप इस वाली ब्रैकेट को देखो, ये वाली ब्रैकेट है, बाकी सबको एज इट इज़ लिख दो। इस वाली ब्रैकेट को देखो,
पहले इसमें देखो 6 डिवाइड 2, पहले डिवाइड करना होता है बाद में माइनस, पहले डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करो 1, बीच में माइनस है। ये छोटी ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई तो अभी भी लगी रहने दो, बाकी ये आगे वाले नंबर ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही। अब 3 - 1 माइनस करो 2 आएगा, इनमें भी जो साइन बड़ा हो, ये बड़ा है तो प्लस का ही आएगा, बट बाहर माइनस इसलिए माइनस आ गया। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी, अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये प्लस माइनस, माइनस 7 आया, इसमें भी साइन बढ़ेगा प्लस का, बट बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। फिर नंबर देखो ये प्लस के है और ये दोनों माइनस के है, तो प्लस वाला तो एज इट इज लिख दो, माइनस वाले माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस माइनस दो, माइनस माइनस प्लस करते हैं, और लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। तो दो माइनस माइनस के पहले प्लस करो, 7 - 5 = 12, और फिर साइन माइनस का लगा दो। अब एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन, ये बड़ा है तो प्लस का साइन। तो ये आंसर आ गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बॉड मास का कैसे किया जाता है। राइट, 4 इक्विवेलेंट रेशन नंबर 6 by 11। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें 6 by 11 के इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, जब हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 by 11 को पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 = 12, 11 2 = 22। फिर ऐसी इसी को 3 से ऊपर नीचे सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो 6 3 = 18, 11 3 = 33। ऐसी 4 से भी कर दो ऊपर नीचे 24, 11 4 = 44। फिर 5 से किया 6 5 = 30, 11 5 = 55। तो ये हमारे 4 इक्विवेलेंट किसके, 6 by 11 के, ये 4 नंबर यहाँ लिख देने हैं, ये आपका आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि सेक्शन सी को हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी कवर कर सके और आपका एग्जाम अच्छा जाए। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एंड सेक्शन डी को भी कवर कर लेंगे। तो इसलिए आपको लाइक करना है, कम से कम 1000 लाइक्स तो मिलने चाहिए ताकि मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी आपका ये पेपर सॉल्व हो जाए और आपका अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस करना है, देखना नहीं है, अपनी कॉपी पेन के साथ खुद प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।